सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है दूसरा दिन दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, और हम जा रहे हैं पाया खावट। वहाँ से हम जाएंगे शिरगुल महाराज के टेंपल छाया। अभी हम निकले हैं शॉर्टकट से। जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये रोड जो है शॉर्टकट है, पर रोड की हालत जो है आप खुद देख सकते हैं, ये रोड काफ़ी कच्चा है, मेटलिंग नहीं हुई है, पर फिर भी हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारे साथ बैठे हमारे भाई लोग, और देखते हैं कि ये रोड जो है हमें कहाँ पहुँचाता है। अभी हम मंदिर से आया, द पे ऑफ शाया टेंपल, और ये शाया गांव। ये देखो आप लोकेशन देख सकते हैं, ये यहाँ का जो देख रही थी गांव, और ये देखो गांव जो यहाँ का धरोहर गांव, इस गांव को। और हम जाएंगे यहाँ से, मेरी हमारे जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं श्री सतीश कुमार जी, उन्हीं को इस मंदिर का रास्ता पता है। और जो हमारे उस्ताद जी हैं, ये साथ साथ देख सकते हैं आप कि जो गाड़ी इन्होंने पार्क की है, मैं भी यहीं हो सकते हैं पार्क करने के लिए, पर उस्ताद जी अभी अपनी निगाहों से देखते हुए कि कहाँ पार्किंग मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद से मैं भी शॉर्टकट आगे। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में, और यहां से है मंदिर के लिए रास्ता। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर की ओर। और ये दो बंदे पहले ही उतर चुके थे, यहां देख सकते हैं, और मेरे पीछे आ रही है बस, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर की ओर। ये रहा यहाँ से रास्ता। सकते ये हमारे सामने है मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से जहाँ से ये भाई लोग जा रहे हैं, और ये रहा कुछ इस तरह का नजारा है यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शाया मंदिर, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे मंदिर। और अभी काम जो है कंटिन्यू चला हुआ है, और ये हमारे जो है लोकल लोग यहाँ पे सहायता करते हुए काम में, ये आप देख सकते हैं। और ये है मंदिर प्रांगण जहाँ की श्रद्धालु माता टेकते हो ना, और ये मेरे पीछे रहा मंदिर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी भी ये जो है ऑन कंस्ट्रक्शन जो है मंदिर चला हुआ है, ये आप देख सकते हैं अपने भाई लोग माथा टेकते हुए। और ये रहा मंदिर, ये आप देख सकते हैं हम हैं शिरगुल महाराज शाया के मंदिर, जो कि हमारे राधे देव शिरगुल महाराज की जन्मस्थली है। और यहाँ का ये मंदिर आप देख सकते हैं कितनी भव्य नक्काशी इसमें की गई है। और अभी ये मंदिर जो है दोस्तों निर्माणाधीन है, अभी इसका जो है काम पूरा नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चालू है, और कुछ ही टाइम में जो है ये जैसे ही पूरा होता है तो सबके लिए दर्शन के लिए मंदिर खुला रहेगा। और ये देखिए चारों साइड का व्यू। अभी दिन का टाइम है दोस्तों, तो भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है धूप काफ़ी ज़्यादा है,